शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बोल, तुझे बदले में क्या चाहिए? माफी। हमें सिर्फ माफी चाहिए विक्रम बाबू। हम जानते हैं कि आपको पंडित जी की बातों पे विश्वास नहीं है, पर गलती करके माफी मांगने में तो विश्वास रखते हैं ना। हमारे यहाँ माँ को भगवान का रूप माना जाता है और आज हमने अनजाने में भगवान का ही दिल दुखा दिया। आज हमारी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। हमारे सर से ये पाप हटा दीजिए, बस एक मौका, हमें एक मौका दे दीजिए प्लीज। ठीक है चंपा, अगर बिना कोई गलती किए तूने मेरे घर का शुद्धिकरण कर दिया तो तुझे मेरी माफी भी मिल जाएगी और तेरी नौकरी भी। हम आपको निराश नहीं करेंगे। माँ, मुझे ये बात समझ आ नहीं रही है कि वो औरत हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। मर चुकी है, अब उसकी फोटो घर में हो या बाहर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है विक्रम, क्योंकि वो आज भी उर्वशी। माँ, वो आज भी क्या? वो आज भी हमारा अतीत बनकर हमारे साथ चल रही है और अगर मन में कोई शंका हो तो उसे दूर कर लेना चाहिए, इसलिए शुद्धिकरण कराना चाहते हैं। यही कहना चाहते हो ना उर्वशी? दादी जी और माँ जी के चेहरे बता रहे कि ये जानती है कि मायावी लुगाई की कहानी उस दुर्घटना में खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सच्चाई हमें इन्हीं दोनों से पता चलेगी। तो फिर तैयार रहा कि चंपा गंगा जल के 101 घड़े भर कर लाएगी और इस दीवार को साफ करेगी और उसके बाद पूरे घर का शुद्धिकरण करेगी। विक्रम, तुम उस पर नजर रखोगे ताकि चंपा कोई गलती ना कर पाए। स्नान करके और चप्पल उतार के। मतलब ये विदाउट चप्पल गंगा मैया से यहां तक आएंगी जाएंगी? अरे दिस इज टू मच। ये बयान है और हमें मंजूर है। क्या क्या हो तो हम शुरू करें। अम्मा जी, हम आपको एक बात बताएं, ये नौकरानी ना दो तीन चक्कर में घन 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 टक्कर खा के गिर जाएगी। लगे सो सो की शर्त। पटका पकड़ो, आओ हमारे साथ। ये माँ बेटी एक जैसे क्यों हैं? लगता है चंपा का वो हवेली छोड़ के जाने का वक्त आ गया है महाराज। सूर्योदय के पहले गंगा मैया से 101 घड़े भर के लाना इतना आसान काम नहीं है। वो नहीं कर पाएगी, हवेली से धक्के खाकर बाहर निकलेगी।
फिर तो हमें किरण की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो चंपा है और चंपा ढीठ है, उसने काम कर दिया तो तुम क्या करेंगे माँ डायन? मैं हूँ ना, मेरे रहते चंपा कुछ नहीं कर पाएगी। चेक और ही नहीं है। नहीं छोटी कुमारी, आज नहीं। हमने माँ जी से वादा किया है कि ये कार्य हम अकेले ही करेंगे। चंपा, हो गया, बस बहुत हो गया। अभी घड़ा मुझे तो, मैं लेके जाता हूँ। हमारी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए आप। अरे माँ और दादी को कुछ नहीं बताऊंगा कि मैंने तुम्हारी मदद की है, ठीक है? मतलब आप अपने परिवार वाले से झूठ बोलेंगे? हर बात को इतना ओवर ड्रामेटिक बनाने की जरूरत नहीं होती है चंपा। 101 गड़े गंगा जल भर के घर लेके जाना है, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। किसी को नहीं पता लगेगा कि मैंने। तो पता चलेगा ना, हम माँ जी से झूठ नहीं बोल सकते, वो हमारी सास। हमारा मतलब है वो हमारी बड़ी है, और बड़ों से ना झूठ नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ कहते हैं कि कौवा काट लेता है। अच्छा, और कौवा अगर छुट्टी पे हुआ उस दिन तो? कबूतर क्या कौवे का मास्क पहन के आएगा क्या बताने के लिए उनको? क्या बात कर रही हो चंपा, सुनो मेरी बात। अभी ना तुम जोश में मुझे सीरियसली ले नहीं रही हो। टोटल 101 घड़े गंगा जल भरने हैं, 202 ट्रिप लगेंगी घर तक। आते आते एंड तक हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तो हालत हमारी खराब होगी ना, आपकी थोड़ी। हाँ तो वो मुझसे देखी नहीं जाएगी ना। क्यों, क्या लगते हैं आप हमारे? जो जी मैं करूं, मुझे क्या? विक्रम और नौकरानी के बीच में कुछ तो चक्कर है, पता तो करना पड़ेगा। हाय चंपा। विक्रम ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है, फिर भी तुम्हें ऐसे नौकर जैसा रखता है, और उसके घर वाले तो तुम्हें अक्सर घर से निकालते रहते हैं, फिर भी तुम उनके लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो? लगता है आजकल आप हमारी सिंदूर की शक्ति से डरने लगे हैं मोहिनी जी, तभी तो ऐसे घुमा फिरा के बात कर रही हैं। घुमा फिरा कर कह रही हैं कि हम वो हवेली छोड़कर चले जाएं, पर हम बिना जिद के पिटारे हैं। हम बाबू को आपके रहमो करम पर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अपने बाबू से उनके पिता को छीन लिया, ऊ परिवार को कभी ना भरने वाला जख्म दिया, अब भी आप बाबू की जान के पीछे काहे पड़ी हैं? राठौर परिवार पे मेरा कर्ज है, और वो विक्रम ही चुकाएगा। और सिर्फ विक्रम बाबू ही क्यों? अच्छा, तो तुम्हें सच तो पता चल गया है, पर पूरा सच नहीं पता चला। पूरा सच? ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? आप बताइए ना हमें। मुझे ऐसी बुरी आदतें नहीं है। तुम्हारे लिए यही भलाई है कि तुम जितना जल्दी हो सके राठौर परिवार से दूर चली जाओ, वरना तुम जितना सह सकती हो ना, उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें तड़ पाऊंगी। किसी अच्छी जगह जाके अपनी नई जिंदगी शुरू कर लो। मेरी दी हुई शक्तियों को मेरा तोहफा समझ लो, समझ गई? इन शक्तियों को इस्तेमाल करके तुम दुनिया की सारी दौलत हासिल कर सकती हो। जाओ चंपा जाओ। हम इस दुनिया की का उस दुनिया की भी सबसे बड़ी दौलत हासिल कर चुके हैं, कागज के चंद टुकड़ों के लिए
हम वो खजाना नहीं गवा सकते। खजाना? कौन सा खजाना? हमारा सिंधु। कर दी ना छोटी बात, तुम अब डायन हो। डायन, हम एक सुहागन है और हर सुहागन सावित्री का रूप होती है। सदियों पहले सावित्री ने भी अपने सिंदूर की शक्ति के बल पे अपने सुहाग को यमराज से बचाया था, उनसे लड़ी थी वो। हमें तो सिर्फ आपसे लड़ना है। हम आपसे लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। सदियों पहले भी सिंदूर का रंग गाढ़ा था और आज भी गाढ़ा है। इस युद्ध में हम बाबू की ढाल हैं और हम पीछे नहीं हटेंगे। जय गौरी मई। आज के जमाने के इस सावित्री को आग से खेलने का बहुत शौक है ना? ठीक है, इसका ये शौक भी पूरा कर ही देते हैं। फिर देखते हैं ये अपने सत्यवान को हमसे कैसे बचाती है। सिंदूर की शक्ति यहां किसी काम नहीं आने वाली है। अब हमारी जिंदगी आपके हाथ में है। अब आप ही हमारी नई अपार लगाइए। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रही हो? पैरों में लगी? हाँ बोला था ना, टोल्ड यू, कम ऑन, दैट्स एनफ नाउ। मतलब बस हो गया, चुपचाप बैठो अब, चलो। हमारे गांव की मिट्टी इतनी भी कमजोर नहीं
कि हम चार कदम में टूट के बिखर जाए। हम अपना कार्य किए बिना नहीं रुकेंगे। ए नौकरानी, इस हवेली में ऐसे कौन से हीरे जवाहरात जड़े हैं रे, जो तू इतना मर खप रही है? अरे किसी और घर जा, काम ढूंढ ले, मिल जाएगा तुझे। और हर दूसरे तीसरे मिनट ये विक्रम से क्या खुसुर फुसुर करती रहती है तू? हैं? तेरा कुछ तो राज है, लेकिन तेरा हर राज ये माधुरी पता करके रहेगी। हमारा कौन सा राज चाची जी? हमने तो सबके सामने दीवार पे तस्वीर लगाई थी, बस उसी के पाप धो रहे। लेकिन किसी को आपके राज के बारे में नहीं पता ना, कि आपने ही हमसे कहा था कि वो तस्वीर हम दीवार पे लगाते। एक काम करते हैं, हम खुद आपके पाप धुलवा देते हैं। ये आई। गंगे, धुल गए आपके सारे पाप। चाची जी, हमें 101 घड़े क्या, 102 घड़े भी भरने पड़े ना, हमें मंजूर है। पर अपनी प्रिय चाची के पाप ना धुलवाए, वो मंजूर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपने मेकअप की कसम, बहुत तीखी मिर्ची हो रही है ना, हमने भी इसको कच्चा ना चबाया ना, तो हमारा नाम माधुरी नहीं। Thank you.
आखिरी घड़े में हारा है, अब हम कैसे जीतेंगे? तुम लोग जानते हो ना, जब रावण को सीता माता का हरण करना था तब उसने क्या किया था? मुझे पता है, मैं बताऊं महाडायन? हम जानते हैं महाडायन। बस अब हम भी वही करेंगे। चंपा, 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 विक्रम बाबू, विक्रम बाबू, 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 बाबू आंखें खोलिए प्लीज, विक्रम बाबू, कोई है? कोई है, हमारी मदद कीजिए प्लीज। सूर्योदय होने ही वाला है, तब तक विक्रम के भेष में सुंदरी चंपा को अपने पास रोक के रखेगी।